ऑल राइट, सो है गाइस वेलकम व्हाट्सअप। अभी रात के लगभग लगभग 2:15 बज रहे हैं और हम लोग हैं कानपुर सेंट्रल पे। एंड हम लोग आज जर्नी करने वाले हैं कानपुर सेंट्रल से लेके गोरखपुर जंक्शन। राइट, कानपुर सेंट्रल इंडिया के 5 सेंट्रल स्टेशन में से एक है, जो कि माना जाता है कि इंडिया का 3rd सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। तो अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अभी हमारे पीछे करिए कैफायती एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से चल के आजमगढ़ तक जाती है, लेकिन हमें इस ट्रेन में ट्रेवल नहीं करना है। हमारी जो ट्रेन है वो है गोरखधाम एक्सप्रेस, जो कि हिसार से चल के गोरखपुर तक जाती है। उसका यहाँ पे आने का टाइमिंग है 2:55, लेकिन 10 मिनट लेट है, जो कि 3:05 पे आएगी। तो देखते हैं राइट टाइम पे आती कि नहीं। बाकी आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। करेंटली वी आर एट बस्ती जंक्शन और अभी हमारे पीछे ट्रेन खड़ी है हमारी, जिससे अभी हम आए हैं। एंड इसके बाद जो अगला स्टॉपेज होगा वो आई थिंक डायरेक्ट गोरखपुर ही होगा। तो ट्रेन का हो चुका है, मतलब हॉर्न वगैरह, मतलब चलने वाली ट्रेन। तो फिर हम लोग अब आपसे डायरेक्ट गोरखपुर में मिलेंगे, ठीक है। मतलब ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एक्सपीरियंस बोलूँ तो एक्सपीरियंस तो कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि स्लीपर क्लास का भी जो हाल है वो सेकंड सीटिंग जैसा ही है। तो स्लीपर और सेकंड सीटिंग एक समान है, तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं। तो हम लोग अभी गोरखपुर जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और ट्रेन का जो टाइम है अराइवल टाइम से लगभग लगभग 9 से 10 मिनट पहले पहुंची है, क्योंकि बीच में लेट चली थी, इसके बाद काफ़ी अच्छा कवर किया। और ट्रेन का मैं पहले आपको बता चुका था, गाड़ी नंबर 12556, जिसका नाम है गोरखधाम एक्सप्रेस, जो कि गोरखपुर पे चलती है और ये गोरखपुर तक चलती है। जर्नी के एंड है। एंड बाकी ये ब्लॉग यहीं तक था, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन थी। और सफ़र की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब स्लीपर जैसा नहीं था। क्या मेरे पास तो कन्फर्म टिकट भी नहीं था, मैंने ऐसे ही नॉर्मली ट्रेवल किया है। बाकी ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, कैसी जर्नी रही, कैसी ट्रेन का सफ़र है, क्या मतलब जो भी मैं एकदम ट्रूली ट्रेवल करता हूँ वही सब दिखाऊंगा। गोरखपुर जंक्शन पे ही है और फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं सेम वही ट्रेन से, गोरखपुर से हिसार, जिससे हम आए थे। अभी 4:35 का ट्रेन का टाइम है, तो पहले बाहर से कुछ ले लिया जाए। तो ये अंदर कुछ ठीक ठाक मिलता नहीं खाएंगे, इससे पहले बाहर से कुछ ले लिया जाए, कुछ खाने पीने का, फिर निकलते हैं आगे। और बाकी ट्रेन में आपको दिखाएंगे ये वाला सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि गोरखपुर की जो अभी वाली ट्रेन है डायरेक्ट यहीं से चलती है, ठीक है। तो अभी हम लोग गोरखधाम एक्सप्रेस में, जिसका गाड़ी नंबर है 12555, राइट, जो कि गोरखपुर से लेके हिसार हरियाणा तक चलती है, जिसका राइट टाइम छूटने का 4:35 है। और यहाँ से आई थिंक लगभग 10 मिनट लेट है। खैर वो आई थिंक ऊपर आगे जाके पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी जैसे कि बता दें, ट्रेन में अभी तो कुछ खास भी है नहीं, क्योंकि यहीं से चली, हो सकता है आगे जाके भी। अभी प्रेजेंटली हम लोग हैं बस्ती स्टेशन पर, तो आगे जाके देखते हैं क्या है इस ट्रेन का सफ़र, कैसी जर्नी रहती है। बाकी आप लोग अगर करना चाहते हो ट्रैवल गोरखपुर से दिल्ली या कहीं भी, तो ठीक है, आप लोग इस ट्रेन से जा सकते हो, ऑन टाइम रहती है। तो अभी हमें लखनऊ स्टेशन पे और ट्रेन लगभग लगभग 1.5 घंटा लेट चल रही है अपने राइट टाइम से, जिस टाइम पे इसको कानपुर पहुँचना चाहिए तो उस टाइम पे तो लखनऊ पहुँच रही है। और बाकी चलते हैं, देखते हैं अब कानपुर कितने बजे पहुँचाती है। पहले कुछ खाने पीने का, पानी वगैरह ले लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बैठे थे, ना पानी मिल पाता ना कुछ मिल पा रहा था। तो अभी उतरे लेने के लिए, और यही हमारा पीछे ट्रेन खड़ा हुआ है, और सामने हमारे खड़ा हुआ है बनारस नई दिल्ली, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बनारस से नई दिल्ली के लिए ट्रेन। सो फाइनली हम लोग कानपुर में पहुंच चुके हैं और बाकी अभी निकलते हैं घर के लिए, 1 घंटा और मे भी लग सकता है। तो ये ट्रेन अभी यहाँ से हिसार जाएगी और काफ़ी लगभग लगभग 1.5 घंटा लेट चल रही थी ट्रेन। अभी आई थिंक टाइम कितना हो रहा है, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम मतलब 1:20 लेट चल रही है ट्रेन। और भीड़ की बात करें तो भाई साहब, भीड़ तो बस्ती और गोंडा से ही काफ़ी ज़्यादा हो गई थी।